ऐसा साधन जिस साधन से सत्यलोक में जाकर सत्पुरुष का दर्शन करना। ये साधन गुरुदेव भगवान बताते हैं और श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 17 के 27 श्लोक में बताया है। अनामं परम धामं यम सत्यलोकस्य परम निर्बंध केवलम गच्छन्ति स्वरूपम स्थितम। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस सार शब्द से उस अनामी परम धाम में पहुंच जाते हैं जो सत्यलोक के ऊपर स्थित है। एक बार ऐसा जानने पर यानी अनामी धाम का दर्शन करने से सुजान परमहंस अपनी निज स्वरूप की स्थिति में अपनी स्थित बना लेते हैं। और 28वें श्लोक में बता रहे हैं गुरुदेव भगवान, क्षरम लोके विद्याम ख्याति सा समाहतम अक्षरम दिव्य अंतर्मुखा निर्वंद निरंजनम। 28वें श्लोक में परम कृपा के सागर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्वंद, क्षर ग्रंथों में लिखी विद्या को पढ़कर और जगत में याद कर सुनाने से प्रशंसा धर्म ख्याति को प्राप्त करता है और अक्षर प्रणव को अपने अंतर्मुख होकर जो जानता है निरंजन पुरुष की परम सिद्धियों को प्राप्त होकर दिव्य विभूतियों का दर्शन करता है। अक्षरम निरंजन परे नियक्षर च ध्वनिमयम सत्यलोके सत्यपुरुषस्य दर्शनम अथम। 29वें श्लोक में परमहंसों से सुजानता पूर्ण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अक्षर से निरंजन पुरुष का प्रभुत्व प्राप्त होता है तथा इससे परे नियक्षर जो ध्वनि में स्वरूप वाला हमेशा सुनाई देता है उसमें प्रवेश होकर ऐसा पुरुष इस साधन से सत्यलोक में जाकर सत्यपुरुष का दर्शन करता है। ऐसा जो हद के सभी शब्दों को त्याग कर जो मुकामी कमलों एवं अक्षर तथा नाद अनहद के ऊपर बेहद के शब्द को जानता है वही नियक्षर है। नियक्षरस्य परेसार शब्दः परम शब्दम यम निर्बंध धामम अनामी शब्दस्य गति अवरुद्धतम। 30वें श्लोक में पारखी गुरुदेव कहते हैं कि उस नियक्षर ध्वनि में वाले शब्द से भी अति परे सार शब्द है जो सभी शब्दों का जनक है। जो सार शब्द है जितने भी हमारे शरीर में जितने भी शब्द हो रहे हैं उनको सार शब्द का जनक यानी पिता बताया है। इन शब्दों का पिता सार शब्द है जिसे प्राप्त करने से अनामी धाम का स्वरूप तथा उस अनामी परम पुरुष का दर्शन होता है। ऐसा अनुभव होने पर नियक्षर शब्द की गति रुक जाती है। सुरति शब्दयो अतीतम गच्छन्ति च निरति सुरति निरति समधम परम बोध सानिस्थितम। 31वें श्लोक में श्री गुरु महाराज जी शब्द का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि हे निर्बंध, इस सार शब्द तथा अन्य सभी शब्दों एवं सुरति से अलग जाकर निरति का संबंध सुरति से जुड़ जाता है फिर साधक शब्दातीत परम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उस निरति से निज स्वरूप का पूरा बोध हो जाता है। निरति निर्धार निराकारम नित्य ध्रुवम गच्छा गच्छस्य भेद विनश्यन्ति स्वरूपम परम। 32वें श्लोक में श्री गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि यह निरति शब्दातीत निर्गुण निराकार नित्य है
इसका बोध होने पर ऐसा पुरुषोत्तम आवागमन से रहित हो जाता है, फिर वह काल निरंजन के बंधन में नहीं रहता। जब चाहता है शरीर धारण कर आता है तथा जब भी चाहता है शरीर छोड़कर अपने परमधाम में पहुंचकर निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।